गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो करंट अफेयर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन आगे जो कंपटीशन में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो विचार है, शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करना होगा, और सम्मान चाहिए तो चरित्र को अच्छा बनाना होगा। अगर अपने को दूसरे से इज्जत चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, तो अपने को अपना चरित्र अच्छा बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। इसमें आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है वैशाख पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है? वैशाख, जो वैशाख का जो हिंदी जो महीना होता है ना, उसकी वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, आपको इससे जुड़ी हुई कुछ बातें और बता देता हूं। बुद्ध का जो जन्म है ना, जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व, और बुद्ध की जो मृत्यु है, मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। बौद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में लुम्बिनी स्थान पर। नेपाल में कौन सी जगह हुआ था भाई? लुम्बिनी स्थान पर। बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बुद्ध को बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार जो कि भारत में है। बोध गया बिहार। तो बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को। बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल लुम्बिनी स्थान पर, और बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, देश का मुख्य चुनाव आयुक्त, देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये भाई अपने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे सुशील चंद्रा, जो कि 14 मई 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, और 15 मई 2022 को अपना पदभार ग्रहण किया हुआ। इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया? 15 मई 2022 को। और ये कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के? 25वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार वर्तमान में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है आज का, आईफा अवार्ड जो 22वां सीजन कहां होगा? आपको बता दूं, आईफा अवार्ड किससे संबंधित है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, तो आईफा अवार्ड है फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, जो जिसका 22वां संस्करण कहां होगा, 22वां सीजन कहां पे होगा? ये होगा अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। आईफा का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरस्कार, और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये स्टार्ट हुआ था 2000 ईस्वी से। आपको बता दो, भारत में 2019 और 2020 दोनों आईफा अवार्ड भारत में हुए थे, 2019 का और 2020 का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। एंड्रयू साइमंड्स,
एंड्रयू साइमंड्स किस खेल से संबंधित थे? एंड्रयू साइमंड्स, नाम तो सुना ही होगा आपने एंड्रयू साइमंड्स का। एंड्रयू साइमंड्स ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे भाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और इनका संबंध किस खेल से था? क्रिकेट से। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और इनका संबंध क्रिकेट से था, जिनका अभी 14 मई को निधन हो गया भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि सेनवान का किस खेल से संबंध है, तो सेनवान का किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और आपको राजस्थान से अगर जुड़ी हुई बात है तो वो है क्या है उसकी, सेनवान की, कि वह राजस्थान का जो आईपीएल हुआ था 2008 उसमें कप्तान कौन था? सेनवान था। आईपीएल 2008 में जो कि राजस्थान ने जीता था उसमें सेनवान राजस्थान का कैप्टन था उसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई फिलहाल का 2022 का। 2022 का थॉमस कप किस देश ने जीता? थॉमस कप। अब सबसे पहली बात यह, थॉमस कप होता क्या है, किस खेल से, खेल इस कप का किससे संबंध है, खेल से किससे संबंध है? तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। किससे संबंध हो गया खेल का? बैडमिंटन से। उसके बाद में है इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1948 और 1949, 48-49 में। किसने की थी? सर जॉन जॉर्ज थॉमस ने, जो कि इस बैडमिंटन का स्टार खिलाड़ी था, उसने इसकी शुरुआत की थी। अब बात आती है कि 2022 का जो थॉमस कप है वो किस देश ने जीता, किसने जीता था? भारत ने। 2022 का जो विजेता है ना वो भारत है भाई, 2022। और अगर पूछ ले कि उप विजेता कौन था, तो उप विजेता होगा इसमें उपविजेता इंडोनेशिया। कौन सा देश था? इंडोनेशिया। 2022 थॉमस कप का उपविजेता देश कौन सा था? इंडोनेशिया। अब बात आती है कि ये खेल कहां पे हुए, ये खेल हुए थे थाईलैंड। थाईलैंड जो देश है उसकी राजधानी है बैंकॉक, वहां पे ये खेल आयोजित किए गए थे। और कब हुए, कब जीता भारत ने? 14 मई 2022 को। और विपक्षी खिलाड़ी कौन, विपक्षी टीम कौन सी थी? इंडोनेशिया, जो कि 14 बार की चैंपियन टीम है भाई, 14 बार थॉमस कप की चैंपियन टीम है। इसको कि कब कितने उससे अंतराल से हराया गया था? 3-0 के अंतर से फाइनल मैच हरा के भारत ने थॉमस कप जीता। अब बात आती है इसमें कि थॉमस कप है ना, उसका मतलब भारतीय अध्यक्ष, बैडमिंटन संघ का भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो भारत में बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर हेमंत बिस्वा। डॉक्टर हेमंत बिस्वा बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष है भारत में। आपको दिखाता हूं बिस्वा जी, जो कि भारतीय बैडमिंटन के अध्यक्ष हैं। ये है भारतीय टीम, यह भारत की टीम है और यह है इंडोनेशिया की टीम है भाई। थॉमस कप जीता किसने? भारत ने। उपविजेता इंडोनेशिया। भारत में बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत, डॉक्टर हेमंत बिस्वा। कौन है भाई? डॉक्टर हेमंत बिस्वा, जो कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है वर्तमान में। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर 132 करोड़ की लागत से बन रहे हाई लेवल पुल का शिलान्यास किया गया? अभी कल परसों ही
राजस्थान का चिंतन शिविर चल रहा है, कांग्रेस का राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी दिग्गज दिग्गज जो नेता है उदयपुर में 3 दिवसीय था। उसके बाद में ये उदयपुर गए, यहाँ डूंगरपुर गए थे। डूंगरपुर कहाँ पे गए थे? बेणेश्वर धाम। डूंगरपुर कहाँ पे गए थे? बेणेश्वर धाम, जहां इन्होंने जो हाई लेवल पुल है जिसकी लागत होगी 132 करोड़ रुपए, इसका शिलान्यास किया है भाई। जो बेणेश्वर है ना, जो आदिवासियों का, ये जो आप देख रहे हो ना फोटो, ये बेणेश्वर धाम है भाई, जहां पे 3 नदियां हैं, इधर एक नदी, इधर से एक नदी, इधर से और एक नदी, ये 3 नदियों के संगम पर ये है बेणेश्वर धाम। यहाँ पे ये बेणेश्वर धाम है भाई, जिसे बेणेश्वर धाम सबसे पहले, तो सबसे पहली बात है कहां पे है, यह है डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम कहां पे है? डूंगरपुर। आदिवासियों का कुंभ, इसको क्या कहा जाता है? आदिवासियों का, आदिवासियों का कुंभ, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इनके जो प्रमुख संत थे, प्रमुख संत आदिवासियों के जो प्रमुख संत थे ना भाई, उसका नाम था मावजी। क्या नाम था? मावजी। मावजी महाराज है ना, इनके प्रमुख संत थे आदिवासियों के। कुंभ का मेला, इसको बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यह डूंगरपुर में स्थित है, 3 नदियों के संगम पर है। नदियां कौन सी है? त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम है। 3 नदियां कौन सी है? सोम, माही और जाखम। इन 3 नदियों के संगम पर यह बेणेश्वर का भाई स्थान है, ये मेला है, यहाँ पे बेणेश्वर धाम है, ठीक है। इस यहाँ की जो प्रमुख जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर कौन सा है, किस देवता का है प्रमुख मंदिर? प्रमुख मंदिर है इसका शिव का, शिव भगवान का प्रमुख मंदिर है इसमें, ठीक है। और 3 नदियों के संगम पर बना है, सोम, माही, जाखम। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि किन नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम बना है, तो सोम, माही और जाखम। और इसी के लिए यहाँ पर हाई लेवल पुल बनाया जा रहा है भाई, इस पे जाने के लिए है ना नॉर्मल पुल अभी, तो उसको हाई लेवल बढ़िया तरीके से बनाया जा रहा है, कि जो कि यहाँ पे श्रद्धालु है ना, जो आदिवासियों का जो आस्था का केंद्र है, और राजस्थान ही नहीं, एमपी और गुजरात, राजस्थान के अलावा एमपी और गुजरात, एमपी और गुजरात के आदिवासियों का भी इसमें आना जाना होता है भाई, वो भी इसको मानते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज इसमें। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन बना भाई हाल ही में, इसका फ्रांस का प्रधानमंत्री इसका बना था भाई एलिसा बेथबोर्न, जो कि अभी है ना हाल ही में फ्रांस की प्रधानमंत्री बनाया गया इसको, जो कि दूसरी सेकंड महिला है भाई, सेकंड महिला प्रधानमंत्री है फ्रांस की। पहली कौन है? फर्स्ट, तो पहली कौन है भाई? एडिथ क्रेसन, एडिथ क्रेसन जो थी वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी फ्रांस की। आपको बता दो कि फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। वर्तमान पीएम कौन है? एलिजाबेथ बोर्न, और फर्स्ट पहली महिला कौन थी? एडिथ क्रेसन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आज का अपना अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे भाई राजस्थान के जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे, कौन होंगे? देखो जस्टिस जो कुरैशी है ना, जस्टिस कुरैशी, कुरैशी के बाद में, इनके बाद में बनाया गया था कार्यवाहक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश,
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे बनाया गया था? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को, एम एम श्रीवास्तव, एम एम श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था कुरैशी के सेवानिवृत्त होने के बाद में। लेकिन अभी किसकी घोषणा, किसके नाम की घोषणा की है? एस एस शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और इनकी यहां पे घोषणा की गई है राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है भाई, तो अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे राजस्थान के? एस एस शिंदे, ये शिंदे है भाई, एस एस शिंदे जो कि राजस्थान के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, आज का अपना क्वेश्चन है कि दो बड़े स्वदेशी, हाल ही में दो बड़े स्वदेशी युद्धपोत, दो बड़े स्वदेशी युद्धपोत रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन कर समुद्र में उतारा गया। कौन से दो बड़े युद्धपोत है भाई? आपको बता दूं, अभी मतलब 16 मई को, कब हुए थे? 16 मई अपने जो मतलब समुद्री जहाज है ना, दो स्वदेशी, वो समुद्र में लॉन्च किए गए भाई, उतारे गए हैं। इनका उद्घाटन रक्षा मंत्री, पहली बात तो ये है कि रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री कौन है भाई? राजनाथ सिंह। उसके बाद में दो नए जो स्वदेशी युद्ध पोत हैं, उनका नाम क्या है? एक का नाम है सूरत और दूसरे का नाम है उदयगिरी। सूरत और उदयगिरी नाम के दो युद्ध पोतों को मुंबई जो अपना समुद्री जो तट है वहां पे इनको उतारा गया है, इनका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो अब सूरत नाम क्यों पड़ा, इसका सूरत नाम क्यों रखा भाई? जो कारोबारी जो शहर है, कारोबारी, कारोबारी शहर, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी शहर है सूरत, उसके नाम पर इसका नाम सूरत रखा गया। और उदयगिरी जो आंध्र प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं, उसके नाम पर इसका नाम उदयगिरी रखा गया, आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के नाम पर, आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के नाम पर, पहाड़ियों के नाम पर इनका नाम उदयगिरी रखा गया भाई इसका, और इसका सूरत, और ये है उदयगिरी। दोनों को जो कि अपने जो जो मतलब नेवी है उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए इन दोनों जहाजों को स्वदेशी, मतलब पूरा इसमें 70% जो इनका काम है वो पूरा स्वदेशी टेक्नोलॉजी से हुआ है, तो इसमें समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए इनको लॉन्च किया गया अभी। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। आज का अगला क्वेश्चन अपना है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे मिला है? जो प्रथम दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये किसे दिया गया है? प्रथम, पहली बार किसको दिया गया है? इसको तो जानते होंगे आप, नरेंद्र मोदी को। जो लता मंगेशकर थी, जो संगीत की कोकिला, जिसको राजस्थान की बात की क्या कहा जाता है, कोकिला, लता मंगेशकर जिसको भारत की क्या कहा जाता है, भारत की कोकिला, इनके नाम से एक जो मतलब सम्मान जो पुरस्कार
दिया गया है इनकी मृत्यु के बाद में कि सम्मान इनके सम्मान में पुरस्कार की घोषणा हुई है, तो यह पुरस्कार किसको दिया गया? यह पुरस्कार जो इसका फर्स्ट पुरस्कार है, इसका जो फर्स्ट पुरस्कार है वह नरेंद्र मोदी को दिया गया। और इनका जन्म लता मंगेशकर का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को और इनकी मृत्यु हुई थी 6 फरवरी को। जन्म कब हुआ था इनका? 28 1929 को इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1929 को, 28 सितंबर 1929 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 6 फरवरी 2022 को। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 6 फरवरी 2022 को। इनको इनको जो पुरस्कार मिले थे उनके बारे में बता देता हूं आपको। इनको जो प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से दिए गए थे, पुरस्कार इनको पुरस्कार दिए गए थे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। वैसे तो इनको बहुत से पुरस्कार मिले हैं लेकिन आपको मैं मोस्टली ये 3 पुरस्कार बता देता हूं। इनको पहला ये पुरस्कार मिला था 1969 में, पद्म भूषण 1969 में। उसके बाद में पद्म विभूषण मिला था 1999 में और भारत रत्न 2001, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। भाई भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न, जो कि किसको दिया गया? लता मंगेशकर को। ठीक है भाई, तो आज हमने करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्टली क्वेश्चन थे उसके बारे में चर्चा की। जय हिंद दोस्तों।